जैसे कि आपको बताया गया ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है छतरी विहीन राम मंदिर, लेकिन बात देखने की ये है कि उसमें सिर्फ दो छतरी ही जो क्षत्रिय MLA बने हुए हैं वो भी सामने आए, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं प्रताप सिंह काचरेवास। वो पहले MLA थे, इस बार हार गए, पहले भी वो ट्वीट करते थे क्षत्रिय समाज के लिए, अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर में जो क्षत्रिय समाज को शामिल नहीं किया गया है उन पर उन्होंने निराशा व्यक्त की है और उन्होंने भी क्षत्रिय विहीन राम मंदिर का ऐलान किया है। इसके अलावा आप सभी देख सकते हो कि बिहार के जो बाबू साहब हैं महाराजा नागपाल तोमर के जो वंशज हैं, जिनका नाम है बाहुबली आनंद मोहन सिंह, उनके बेटे चेतन आनंद जो इस वक्त MLA भी हैं बिहार से, तो उन्होंने भी शरेआम क्षत्रिय विहीन जो राम मंदिर को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। और भाइयों देखने की बात यह है कि भगवान श्री राम के वंशजों को राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं डालेंगे तो फिर किसको डालेंगे। और सूर्यवंशी क्षत्रिय जो अयोध्या के पास ही 215 गांव में बसते हैं, जिन्होंने प्रण लिया था कि तब तक वो पगड़ी और जूते नहीं पहनेंगे जब राम मंदिर नहीं बन जाता, तब जब 500 साल पहले जब युद्ध हुआ था राम मंदिर को लेकर तब भी उन्होंने ही युद्ध लड़ा था और कोई नहीं आया था। जिन लोगों को शामिल किया है उनका कोई रोल भी नहीं, और जिन लोगों का रोल था और जो उनके वंश है उनको जो दोगली सरकार क्षत्रिय विरोधी सरकार जो है वो शामिल करने को तैयार नहीं है।